दोस्तों आज बनाने जा रहे हैं बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आने वाला होममेड रेसिपी। तो ये देखिए हमने आज ये बनाकर तैयार किया है। ये हमारे बच्चों को हम सबको आजकल इसका ट्रेंड बहुत है, खाने का बहुत शौक होता है। तो आइए चलिए देख लेते हैं इस इजी सी रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं किचन में गैस की तरफ फ्रेंड्स। और एक ज़रूरी बात, हमने इसके अंदर जो सब्जियां ऐड करी हैं ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसके अलावा और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं आप जो अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन बनाने का तरीका सेम होगा। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी। ये हम लोग मार्केट में जाकर खाते हैं, बहुत महंगी पड़ती है और सबको पसंद भी बहुत होती है। तो आज हम वही आपके साथ बनाना शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने ये गुथा हुआ आटा लिया है। हम इसको लेफ्ट ओवर आटे से बना रहे हैं, ये हमारा सुबह का बचा हुआ आटा है और आप इसको ताजे आटे से भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ नमक डाल के आटा गूंथा जाता है और अगर आपके यहाँ नमक डाल के आटा नहीं गूंथा जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। इसके अंदर हम 3 से 4 6 बूंदे ऑयल की ऐड, आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि आटे में भी नमक है। गर्म करने के लिए चढ़ाया है। अब हम इस तरीके से पतली पतली इसकी स्ट्रिप, हाथों की हेल्प से पतली पतली स्ट्रिप बनाएंगे। आप इसको प्लेटफॉर्म पर रख कर भी बना सकते हैं, आपके साथ और शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से हम छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे, ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको आटे में कोट करते हुए इस तरीके से हम पतली पतली इसकी स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए जैसे हमने ये बनाई है इसी तरीके से हम सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। हम आपको एक और करके दिखाते हैं, चाहे आप प्लेटफॉर्म पे करिए और चाहे आप हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं। हम ये बहुत मोटे नहीं पतले नहीं बनाएंगे, हम थोड़े तिक्की ही बनाकर तैयार कर रहे हैं। दो तरीके आपके साथ शेयर करें, एक तरीका हम और शेयर करते हैं। आटे की लोई को हम इस तरीके से करेंगे तो भी हमारे ये बनकर तैयार हो जाएंगे। ये थोड़े मोटे ही बनेंगे क्योंकि ये होममेड रेसिपी है, पसंद होती है बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, और आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से भी बन जाते हैं। देखिए हमने ये स्ट्रिप्स बनाकर तैयार कर ली है। अब हमारा जो पानी खोल रहा है अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। तेल डालना जरूरी है, ऑयल डालने से होता क्या है कि हमारा जो ये हम नाश्ता बना रहे हैं ये आपस में चिपकेगा नहीं और खिला खिला बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों आप भी इसको बनाइएगा। अब हम इसको सबको अच्छी तरह पका लेंगे। ये देखिए हमने अपना होममेड नूडल्स पकने के लिए चढ़ाए थे, हम आपको दिखाते हैं। अब हम इसको स्टीयर कर देंगे। फ्रेंड्स यकीन मानिए खाने में बहुत टेस्टी है। हम लोग बाहर का ला के खाते हैं, उसमें पता नहीं होता है कि किस चीज़ से बना है। क्यों ना हम लोग अपने बच्चों को और खुद इस तरीके से बनाकर घर में यूज़ करें। हम आपको उसको गलाकर छुआ कर भी दिखाते हैं कि ये हमारे अच्छे से गल गए। एक जरूरी टिप्स, इस तरीके से यदि हम लोग घर में नूडल्स बनाएं तो उसको उसके अंदर एक बार थोड़ा सा ऑयल जरूर डाल देगा, इससे हमारे जो नूडल्स बनेंगे वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी हम इस उसको 1 मिनट तक और पकाएंगे, स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे जो होममेड नूडल्स हैं कितने खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। कट करके लिए ये मीडियम साइज के 2 टमाटर कट करे हैं, 1 छोटा सा टुकड़ा गाजर का और 1 छोटा सा टुकड़ा शिमला मिर्च और ये 2 हरी मिर्चें चॉप करके लिए। अब हम हमारे नूडल्स अच्छे से ड्रेन हो जाएंगे तब हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करेंगे।
चौमिन हमने जो नूडल्स बनाकर तैयार किए थे वो बिल्कुल पानी उसका स्टेन हो चुका है। अब हमारी जो सब्जी है, अब हमने सब्जी है ली है और हमने कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है, बिल्कुल एक चम्मच। फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा अलग ढंग से बनाएंगे क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, तो इसको एक नई तरीके से बनाएंगे। तो हमने जीरा, सरसों के दाने, थोड़े थोड़े सारी चीजें लिए, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने एक खड़ा मिर्चा लंबाई में चौट करके लिया, वो भी डाल देंगे। तो सब्जी हमने कट करके ली थी, वो भी हम इसके अंदर एक एक करके डाल देंगे। तो सब्जियों को हम हल्का सा सौटे कर लेंगे, हमको इसे ज्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का सा सौटे करना है, सिर्फ एक मिनट तक, ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। हमको बस इतना ही इसको पका कर तैयार करना है। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। ये देखिए सब्जी हमारी, अब हमने जो चौमिन बना के रखा था, नूडल्स बना के रखे थे, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि हमारी होम मेड चौमिन, चौमिन भी कह सकते हैं, नूडल्स भी कह सकते हैं, कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो दोस्तों आप ही बनाइएगा। इस तरीके से बनाने से होता क्या है कि हमारे बहुत सारी पैसे भी बचेंगे और हमारे बच्चों को हम लोग हेल्दी चीज भी खिला सकेंगे। अब हमने इसको भून लिया है, अब हम इसके अंदर तीनों तरीके के सॉस मिक्स करेंगे। विनेगर, चिली सॉस और टमेटो सॉस, आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और दो मिनट तक इसको सॉसेस डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारा नूडल्स कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब हम इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए चौमिन हमारा बन गया है, हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और हाँ दोस्तों, हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और प्लस और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हम अपने चैनल आसान आसान रेसिपी लाते रहते, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और स्प्रिंकल कर देंगे, तो है ना इस चौमिन को बनाना कितना आसान। ये देखिए हम आपको इसका टेक्सचर दिखाते हैं कि ये हमारा चौमिन कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये देखिए आप देख सकते हैं